नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक शो फेयर एंड स्क्वेयर में। हमने हिमाचल प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस शो के पिछले अंकों में कई मुख्य राजनीतिज्ञों से बातचीत की। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्रमुख कांग्रेस नेता श्रीमती विद्या स्टोक से। ये पिछले करीब 40 सालों से हिमाचल की सियासत से जुड़ी हैं, पर आज भी उनकी पुरानी राजकीय शान उसी तरह से बरकरार है। और देखते हैं कि उनका हिमाचल की आज की राजनीति के ऊपर क्या नजरिया है। मिसेस विद्या स्टोक्स, इस शो में आपका स्वागत है। मिसेस स्टोक्स, एक समय हिमाचल कांग्रेस में एक लीडरशिप क्राइसिस नजर आ रहा है। क्राइसिस ये नहीं है कि लीडर नहीं है कोई, लेकिन सभी लीडर जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसको कैसे सुलझाया जा सकता है? देखिए, मेरे दिमाग में तो हमें कोई ऐसी रीजन नहीं होना चाहिए कि हम सभी मुख्यमंत्री बनना चाहें। कम से कम मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं है। आपको पता है, पहले भी मैं अध्यक्ष थी और बड़े आराम से हमने तो कोई महसूस ही नहीं किया कि कौन बनता है कौन नहीं बनता। पहले पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ, तब जाके आप सोच सकते हैं। और जिसको हाईकमान बोलेगा उसको बना दो, उसमें है क्या दिक्कत? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके मुताबिक पार्टी में सबसे जो मजबूत उम्मीदवार कौन है मुख्यमंत्री पद के लिए? हमारे पास 3-4-5 हम लोग हैं सीनियर पीपल, तो उसमें से किसी को भी करें, हाईकमान सोचे, जिसको समझे, जो अच्छा चला सके, सरकार को चला सके। तब तजर्बेकार भी होना चाहिए, फिर थोड़ा आदमी को ऐसा भी होना चाहिए जो एक्सेप्टेंस, लोगों की एक्सेप्टेंस भी चाहिए। तीनों बातें होती है। सिर्फ आदमी होना चाहिए, औरत भी हो सकती है। आप भी दावेदार हैं? नहीं, मैं तो दावेदार कभी नहीं थी, ना मैं अभी भी आज सोच रही हूँ। अगर मुख्यमंत्री पद की बात करें, वैसे तो आप काफी कम उम्र की लगती हैं, लेकिन आपकी उम्र 84 साल, तो क्या ये आपके खिलाफ जा सकती है आपकी उम्र? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम करने का तरीका होना चाहिए और आपके में क्षमता होनी चाहिए काम करने की, और ताकत भी चाहिए, सोच भी चाहिए, तजर्बा भी चाहिए, सब बातें। कुछ लोग महसूस करते हैं कि आपकी शाही और राज की मजाज है। अच्छा, तो आप शायद मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल, गवर्नर के लिए ज्यादा सूटेबल? जी नहीं, मैं तो कभी नहीं। मैं तो, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे कौन से ईयर की याद नहीं रही कि जब मैं एक बार 250 वोटों से हारी थी, एक ही बार में। 7th term है मेरा भी, और कौल सिंह जी का भी 7th term है। तो उस वक्त की बात है, तो मुझे सबने, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया कि आप गवर्नर बनना चाहिए। तब तो मैं मच यंगर थी, मेरे ख्याल आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ 20 साल पीछे की बात कर रहे हैं। तो मैं 250 वोटों से हारी, तो मैंने कहा मैं गवर्नर नहीं बनना चाहती। मेरे को, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मेरा शौक खेलों से था, और कई किस्म की चीज़ों से मेरे शौक थे, सोशल वर्क करने का शौक था, बहुत शौकें थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझको नहीं बनना है गवर्नर, तो बनना है लाइक ऐसे प्रिजनर होता ना जेल खाने में, वो है। मैं तो कभी ना, चाहे मैं यंग होती तभी ना करते, अब इस उम्र में भी नहीं करने के कभी मेरे पास। मुझे याद है 2003 में जब कांग्रेस जीती थी, तो आप उस समय मुख्यमंत्री बनती बनती रह गई थी, वो क्या हुआ था? चलता रहता उसमें, वो तो ऐसी मुकद्दर की बातें भी होती है। आदमी को, सबको ये महसूस नहीं करना चाहिए, जब पार्टी के लिए हम काम करें, बन जाए तो अच्छा, नहीं बने तो भी कोई बुरा नहीं, काम तो करना ही है। आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है, तो जो बाकी उम्मीदवार हैं उनमें से आप किसकी मदद करेंगे? वीरभद्र सिंह की या कौल सिंह ठाकुर की, और किसी की? किसी की भी मैं उसके कहूंगी, जो हाईकमान फैसला करेगा हमको मानना है। कुछ समय तक ऐसा माना जाता था कि राजनीति में राजसी तौर पर आप कौल सिंह ठाकुर के नजदीक थे, लेकिन ये जो सोलन की रैली है, अच्छा, जो आपने अटेंड की थी, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि आपने साइड्स चेंज कर ली हैं, अब आप वीरभद्र सिंह के साथ? जी नहीं, जी नहीं, मैं ना वीरभद्र के खिलाफ हूँ। आपको यकीन मानिए, ये लोगों का बहुत भ्रम है मेरे बारे में कि शायद मैं उनसे दूर हूँ या कौल सिंह से नजदीक हूँ, ऐसा नहीं। कौल सिंह जी, मैं हम लोगों को जब मौका उनको मिला अभी अध्यक्ष बनने का, तो मेरा फर्ज है, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, तो मेरा फर्ज है कि उनको कॉपरेट करें, उनको ताकत दें, पार्टी को मजबूत बनाएं। और वीरभद्र सिंह जी ने अपना प्रोग्राम रखा सोलन में, तो मेरे कांग्रेस पार्टी ने मुझे इन्वाइट किया, बुलाया, मैडम आइए, वीरभद्र जी आए तो खुशी की बात है। अगर वीरभद्र साहब आते हैं तो कोई बुराई की तो नहीं उनके साथ शामिल होने की। अगर कौल सिंह जी के यहाँ कोई प्रोग्राम होगा तो मैं वहां भी जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। वैसे आपका क्या ख्याल है कि पार्टी के मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट हैं, उसकी सिलेक्शन जो है वो पार्टी हाईकमांड को करनी चाहिए या इलेक्टेड एमएलए को या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को या सबको मिलकर? देखिए, जब एमएलए को भी पूछा जाता है, जिस वक्त फैसले होते हैं, तो कोई कई वजूहत हो जाती है, कई वजूहत में कईयों को एक्सेप्टेंस नहीं है, कईयों को ये भी होता है कि भाई उसने मेरी ज्यादा हेल्प की है,
मेरा ज्यादा ताकत दी है, तो कई कई वजुहतें होती हैं, और मैं समझ गया अल्टीमेटली हाई कमांड का जो डिसीजन होता है हमको स्वीकार करना चाहिए और मानना चाहिए और खुशी से मानना चाहिए। चाहे वो हमसे जूनियर भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप मानते हैं कि जो पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी मुख्यमंत्री के ऊपर वो सभी को मंजूर होना चाहिए, मानना चाहिए, खुशी से मानना चाहिए। ये आप इसलिए तो नहीं कह रही कि आप 10 जनपद सोनिया गांधी जी के करीब मानी जाती हैं? नहीं, मैं तो वो तो माने जाते हैं, हमारे सारे कांग्रेस के लोग जाते हैं, उनको सभी मानती है मैडम, पर हमारे एक तल्लुका जरूर थे इंदिरा गांधी जी के टाइम से। जब मैं पहली बार विधायिका बनी, और मैं चाहती भी नहीं थी, उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्टर होती थी पहली बार, तो उसे 1974 की बात है, हाँ, तो उसे मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई तो मुझको वापस आना पड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्टर, फर्स्ट लेडी डायरेक्टर थी मैं उस वक्त, तो फिर मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा, इलेक्शन लड़ा मैं, उसमें भी खुश रही, और खुश रहना चाहिए इंसान को। अगर आपने सेवा करनी है तो कोई तरीका होता है काम करने का, वो मैं समझती हूँ उसमें खुश रहना चाहिए, अगर आप खुश नहीं है तो फिर उस काम करने का मजा भी नहीं। आपके कुछ पार्टी के लोग ये फील करते हैं कि विधानसभा में आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उभर के नहीं आए। देखिए बात यह है कि शायद हम बात करने का तरीका हमारा बहुत फर्क है जी। कि हम हल्लाएं चिल्लाएं और इधर किसी को बहुत वाहियत बातें करें, वो हमें आज भी मेरे को पसंद नहीं, और मैं नहीं करती हूँ। पर इश्यूज बेस जो इशू बेस होता है उसके ऊपर आपको अटैक करना है, और आप उसको शराफत से भी वो अटैक कर सकते हैं, उसका मतलब नहीं हल्ला मचाए। अब देखेंगे ज्यादातर लोग हल्ला हुल्ला मचाएंगे, चाहे आपके पास इतना सा बात करने का, और हल्ला ज्यादा मचाएंगे, बदतमीजी करेंगे, वो हमारे सामने कोई करता भी नहीं। मुझे कोई किसी ने अभी तक हिम्मत नहीं की कि मेरे ऊपर कोई ऐसी फालतू बात करे जी। क्योंकि मैं तो ना रोजगारी लेती हूँ, ना पैसा लेती हूँ, ना लंप्स लेती हूँ, ना कुछ लेती हूँ, तो मुझे कोई किसी से तो सभी मानते हैं कि आपका करियर मुझे मुझे करियर बड़ा साफ है। मुझे किसी से खौफ है, अगर आप सच्चाई से बात करेंगे तो आपकी बात को असर होता है। अगले चुनाव की अगर बात करें, आप 7 बार MLA रह चुकी हैं, 5 बार थ्योग से, हाँ जी, दो बार कुमारसेन से, तो कुमारसेन अब शायद डिलिमिटेशन में आ गया है, उसमें अबॉलिश हो गया है, तो इस समय इस इलेक्शन में आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? वही अपने कुमारसेन थ्योग से। चुनावों में कांग्रेस कौन से मुद्दे लेकर मैदान में उतरेगी? देखिए मुद्दे करने की पहली बात तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है इनका, हमारा तो बहुत बड़ा, इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी अपने हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा जितना अभी है। और दूसरे मुद्दे हमारे क्या है कि बेरोजगारी का मुद्दा है हमारा, वो भी वहाँ पे ये फेलियर है टोटल, जो इन्होंने बातें बहुत कही, और इनका जो मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में जो बातें उन्होंने की उनमें से एक भी बात कोई पक्के तौर से नहीं हो पाई। हमारे टाइम में कितनी सड़कें बनी, कितनी अच्छी सड़कें होती थी, आज देखेंगे आप हमारे किसानों की तो सबसे बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। अगर आप पिछले 2 टर्म में देखेंगे, हमारे 2 सालों में लगातार सड़कों की वो दुर्दशा है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से बागवानों की और सब्जी वालों की हालत क्या होती है, किस तरीके से मार्केट में अपने फ्रूट्स को। आपको क्या लगता है कि किसानी को और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को पुश देने के लिए कैसी क्या काम करने की जरूरत है? बेसिक चीज तो आपको बेसिक चीज क्या है, आपको रोड्स अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल भी होता है तभी होगा ना, जब आपका सारा सेब हमारे एरिया तो पूरा तकरीबन सेब वाला है, फलों वाला है जी, चाहे खाली सेब नहीं और भी फल है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है किसान को, जब रास्ते नहीं मिले ठीक से, उनकी मतलब क्रॉप को हम बाहर नहीं भेज सकते हैं, मार्केट को नहीं कर, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत आती है। उसके अलावा खाद टाइम में नहीं मिलेगी, बीज टाइम में नहीं मिलता, तो फिर क्या है, किस लिए आप सब अब किसानों की बात कर रहे हैं कि हम किसानों को बहुत अच्छा देख रहे हैं जी। अब विधानसभा चुनाव से पहले शिमला MC इलेक्शंस आ गई हैं, उसमें आपको क्या लगता है आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा? देखिए आज तक टचवुड हम कभी हारे नहीं है, और ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आने वाला ये टाइम भी, बेशक हमें लगता है कि इस बार थोड़ी सी हमारे साथ जाती हुई है, कुछ हमारे अपने लोगों की भी भूल हो गई कि उन्होंने कह दिया कि हम तो तैयार है, उन्होंने के ऑफिसर्स ने कह दिया कि भी कैसा इलेक्शन आप चाहते, अरे जो हमारा सिस्टम था उस सिस्टम से चलना था। अभी इस बार 32,000 वोटर हमारा कटा है, 32,000 पहाड़ का वोटर कटा है। वो कैसे? वो शिमले में रहते हैं हमारे पहाड़ी लोग जो रहते हैं, उनके घर गाँव में भी है। तो क्या हुआ कि इस बार इन लोगों ने क्या किया, जिनके वोटें वहां थी वो वोटें सारी काट दी, तो उससे हमें ज्यादा इतनी चिंता नहीं है, पर जो इनका सिस्टम काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है।
पर फिर भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग जीत के आएंगे। आप ये लेकिन शिमला के बचाव के लिए क्या करने की जरूरत है? बचाव तो कुछ नहीं है, देखिए हमें हमारे वर्कर्स को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है और जो हमारे, लेकिन एक फीलिंग है कि शिमला में कंजेशन बहुत बहुत ज्यादा हो गया, तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज तो ये है कि हमें हमको कोई नए एरियाज में जाके हमको सेटेलाइट वो बनाने चाहिए, टाउन्स छोटे छोटे, तब तो फायदा है। अगर ऐसे तो बहुत कंजेशन हो गया शिमला, वो शिमला नहीं रहा जो किसी जमाने में होता था जहाँ बड़ी खूबसूरती नजर आती थी, और अब तो हमारी तो सड़कें जैम पैक्ड हैं, इधर जाना उधर जाना बहुत बुरे हाल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर उसको बेहतर बनाना चाहिए हमें और बहुत सारे सिस्टमाइज करें उसको, हम सिस्टमाइज करेंगे तो मैं समझती हूँ काफी। और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए शिमला में क्या करने की अभी है? तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी मुसीबत हुई तभी मैं कह रही थी मोनोरेल लगा दीजिए ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको आसानी हो जाएगी और खूबसूरती भी नजर आएगी और कंजेशन भी कम हो जाएगा। अभी तो आप देखेंगे हर जगह आपके मेन रोड्स पे दोनों साइड में सड़कों पे गाड़ियां पार्क की, गाड़ियां ट्रकें पार्क की होती हैं, अब आप बताइए क्या होगा? बिल्कुल करें, कभी हमको कर देनी चाहिए, मैंने तो धूमल साहब को भी कहा था उसको कर लेना चाहिए आप लोगों को, वो नहीं किया अभी तक। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापसी पर हिमाचल प्रदेश की प्रमुख कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स से हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है, हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता विद्या स्टोक्स से बातचीत कर रहे हैं। आपने पहली बार चुनाव 1974 में लड़ा था, तो राजनीति में आने के लिए आपको किसने प्रेरित किया था? मुझे प्रेरित क्या, मेरे को हुक्म लगाया था हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जी। तब उस वक्त मेरे हस्बैंड एमएलए थे और उनकी डेथ हो गई हार्ट फेलियर से, और मैं उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्टर थी, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि विद्या जी आपको इलेक्शन लड़ना है, मैंने कहा मैम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कहने लगे तुम्हें राज्यसभा में भेज देते हैं, मैंने कहा ठीक है, पहले मैंने हाँ कर दी फिर मैंने ना कर दी, क्योंकि मेरी ननद जो थी वो भी राज्यसभा में थी जी। उनकी टेन्योर खत्म हो रहा था, तो मैंने कहा मेरे घर में थोड़ा सा नाराजगी ना हो जाए कि उनको सेकेंड टर्म चाह रही थी वो मेरी ननद साहब, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने मैडम को कहा कि चलो इलेक्शन लड़ लेती हूँ, फिर मैं इलेक्शन लड़ा, और मेरा घर का इलाका नहीं था वो भी उस वक्त ठोक हमारा इलाका नहीं था, मेरे हस्बैंड भी वहाँ से लड़े जीत के आ गए, तो मैं गई तो मैं भी भगवान की कृपा रही जनता की कृपा रही मैं जीत गई। लेकिन आपके हस्बैंड लालचंद जी वो चाहते थे अपनी जिंदगी में कि आप राजनीति में आए? नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बिल्कुल सोशल वर्क करती थी सारे, मैं घोड़े मैं अपने घुड़सवारी करना राइडिंग करना और शिकार खेलने जाना, मैं मेरे हस्बैंड हम जाते थे पहाड़ों में जाते थे, फिर जब मेरे हस्बैंड के एकदम से उनकी जो डेथ हुई हार्ट फेलियर तो मुझे मजबूरी से करना पड़ा। आप इतने वर्षों से राजनीति में हैं फिर भी आप बागवानी के लिए हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के लिए समय कैसे निकाल लेती हैं? निकाल लेती वो तो ये हमारा जैसे कहते हैं ना खूनी रिश्ता है जिस चीज का होता है, तो हमारा रिश्ता भी बागवानों के साथ किसानों के साथ तो होना ही होता था, क्योंकि हमारे अपने भी फार्म है, हम सेब पैदा करने वाले, आपको मालूम है स्टोक्स मेरे ससुर ने ही पहली बार वो सेब अमेरिका से लाए थे और वो सारे में फैल गए और बहुत अच्छा लगा। आज वो किसान जो कि थोड़ा सा अनाज खाता था या थोड़ा सा जौ खाता था मक्की खाता था, अब वो सेब के बेचता था कमाता था पैसे और अच्छे अपने बच्चों को पढ़ा पाता था, ये बहुत बड़ी बात हुई हमारी। सुना है कि आपके बगीचे में फूलों की बड़ी अच्छी कलेक्शन है, फ्लावर्स की कलेक्शन बहुत अच्छी है, ये आपके किसी परिवार के किसी मेंबर की रुचि थी? ये मेरी अपनी थी और अभी भी वही है, आप हैरान होंगे दुनिया के जो मशहूर पेड़ होगा वो मेरे घर में मिल जाएगा आपको। मिसेस स्टोक्स, देखा गया है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक पारिवारिक पेशा सा बन के रह गया है, कि आपके फैमिली मेंबर भी और भी कोई पॉलिटिक्स में है? कोई नहीं मेरे सिवाय। खेलों में रुचि आपकी, खास करके हॉकी में रुचि कैसे जागृत हुई? वो ये हुआ कि मेरे भाई हॉकी प्लेयर थे मेरे से जो बड़े में थे और माउंटेनियर भी थे, तो मैं उसी की वजह से उनकी वजह से ऐसे, तब उनकी क्या हुआ जब डेथ हो गई मेरे भाई की माउंटेन में वो गए और वहाँ पे उनको कोई मेरे ख्याल खास किस्म की ट्रेजेडी थी हो गई और वो डेथ हो गई, एक ही भाई थे मेरे जी। तो उसके बाद मेरा बहुत दिलचस्पी थी हॉकी से उनकी वजह से, कि वो जाते थे हॉकी खेलने, ही वो नेशनल प्लेयर ऑल्सो एट दैट टाइम, तो वहाँ पर जितने भी हम जैसे पाकिस्तान की टीम आती थी तो मैं वो